Hello friends, in this video segment we will discuss about the phyllotaxy and taxis. This is also related with the leaves. तो leaves को हम लोग देख रहे हैं जिसमें हम लोगों ने leaves में leaves के characteristics देख लिए, उसके function देख लिए. आगे हम लोग phyllotaxy और taxis को देख लेंगे. उसके बाद हम लोग modification of leaf की तरफ move करेंगे. तो आइए इस video segment में हम लोग phyllotaxy और taxis के बारे में discuss करने जा रहे हैं. देखती है phyllotaxy is the arrangement of leaves on the stem or its branches is called phyllotaxy. phyllotaxy है क्या? जो leaves का arrangement होता है वो stem पे या stem के branches पे किस प्रकार से है. nodes पे एक leaf present है, दो leaf present है. नोड्स पे जो ब्रांचेस पे लीफ हो रही हैं वो एक दूसरे के अपोजिट प्रेजेंट हैं, वॉर्ल में प्रेजेंट हैं. इन्हीं सब अरेंजमेंट को हम लोग यहाँ पे फाइलोटेक्सिस में देखते हैं कि लीव्स का अरेंजमेंट कैसा है स्टेम पे या स्टेम की ब्रांचेस पे. तो ये देखिए तीन तरह के अरेंजमेंट हम आपको दिखा रहे हैं, अल्टरनेट और स्पाइरल, अपोजिट एंड थर्ड वन इज द वर्ल्ड. अल्टरनेट या स्पाइरल यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर से मॉर्फोलॉजी जो मैंने यहाँ पे प्लांट्स की शो की है उससे आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा. हम लोग एक एक पॉइंट लेकर देखते हैं, ज्यादा इजी हो जाएगा समझना. द सिंगल लीफ अराइजेस एट ईच नोड. अल्टरनेट या स्पाइरल में एक सिंगल नोड प्रेजेंट होती है. ये देखिए जरा यहाँ पे, ये स्पाइरल लिखा हुआ है, पी है इस फोटोग्राफ्स की वजह से छिप गया है. तो सिंगल लीफ अराइजेस एट ईच नोड. सेकेंड पॉइंट, द कंसेक्यूटिव लीव्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्पाइरल मैनर अराउंड द स्टेम. एक नोड पे एक लीफ प्रेजेंट होगी और जैसे एक लीफ यहां पे हो गई तो दूसरी स्पाइरली इधर प्रेजेंट हो गई, तीसरी अल्टरनेट नोड पे. हर एक नोड पे जैसे यहां ये मान लीजिए हम नोडल मान लेते हैं, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, ठीक है. तो यहां पे अगर कुछ लीफ प्रेजेंट है वो इधर प्रेजेंट है, इस पे इधर हो सकती है, इस पे इधर हो सकती है. तो स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स एंड लीव्स आर प्रेजेंट सिंगली ऑन द नोडल पोजीशन. तो ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग अल्टरनेट या स्पाइरल अरेंजमेंट कहते हैं. इट इज कॉल्ड अल्टरनेट और स्पाइरल फाइलोटैक्सी. चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर, हिबिस्कस, ये इसके डिफरेंट एग्जाम्पल हैं. चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर ये आपके बुक्स में दिया हुआ है. हिबिस्कस एक्स्ट्रा आप देख लीजिएगा. हिबिस्कस ये चार एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है. अपोजिट, द लीव्स आर अरेंज्ड इन पेयर्स एट ईच नोड. यहाँ पे अपोजिट फाइलोटैक्सी में लीव्स दो प्रेजेंट होती हैं, पेयर में प्रेजेंट होती है सभी नोड पे, और ये एक दूसरे के अपोजिट हो सकते हैं. तो अपोजिट में एक दूसरे के अपोजिट, अपोजिट लीव्स अराइजेस इन द सेम प्लेन. अगर जो अपोजिट लीव्स निकल रहे हैं, मान लीजिए ये एक हमारी नोडल पोजीशन है तो इस पे एक लीफ इधर निकल रही है, एक लीफ इधर निकल रही है, दे आर अपोजिट. एक ही नोड पे दो लीफ प्रेजेंट है, बट इफ दे आर प्रेजेंट इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे, एक जैसी प्लेन पे प्रेजेंट होंगी, सेम प्लेन होगा, जैसा इधर से एंगल बना रहा है वैसा इधर से भी एंगल बना रहा हो, तो दैट इज कॉल्ड अपोजिट सुपरपोज्ड फाइलोटैक्सी. इसको अपोजिट सुपरपोज्ड फाइलोटैक्सी कहते हैं और इसका एग्जांपल क्विस्क्वालिस है. और जब आपकी अपोजिट तो है लेकिन वो एक दूसरे से 90 एंगल का, राइट एंगल पे 90 एंगल का एक जो है कोण बना रहे हो, एक एंगल बना रहे हो राइट एंगल का, तो एंड व्हेन एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, एक दूसरे से राइट एंगल्स पे हैं, देन इट इज कॉल्ड अपोजिट डेकुसेट फाइलोटैक्सी या अपोजिट डेकुसेट फाइलोटैक्सी ही कहेंगे, अपोजिट डेकुसेट फाइलोटैक्सी कहेंगे जब ये राइट एंगल पे प्रेजेंट होगा. और इसका एग्जाम्पल कैलोट्रोपिस, आइक्सोरा दिया हुआ है. कुछ और भी एग्जाम्पल आपके बुक में दिए हुए हैं, उनको देख लीजिएगा. कैलोट्रोपिस और आइक्सोरा किस तरह का एग्जाम्पल है? अपोजिट डेकुसेट फाइलोटैक्सी का. तीसरा तरह का जो फाइलोटैक्सी है दैट इज वर्ल्ड. if more than 2 leaves occur, if more than 2 leaves occur at a node, अगर नोड पे 2 से ज्यादा लीव्स प्रेजेंट होते हैं, द फाइलोटैक्सी इज कॉल्ड वर्ल्ड, वर्ल, वर्ल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, वर्ल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, और इस तरह की फाइलोटैक्सी को वर्ल्ड फाइलोटैक्सी कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है नेरियम और एल्स्टोनिया। नेरियम एंड एल्स्टोनिया इज द एग्जाम्पल फॉर द वर्ल्ड फाइलोटैक्सी, जहां एक ही नोड पे एक 2 से ज्यादा लीव्स प्रेजेंट हो। तो एक लीव प्रेजेंट होगा तो अल्टरनेट, ठीक है, 2 लीव प्रेजेंट होंगे तो अपोजिट, अपोजिट में आइदर जो है वो सुपरइम्पोज्ड फाइलोटैक्सी होगी या फिर अपोजिट डेकुसेट फाइलोटैक्सी होगी। इफ 2 से ज्यादा 3, 4, 5 प्रेजेंट है नोड्स पे तो दैट फाइलोटैक्सी इज कॉल्ड वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। ऐसी फाइलोटैक्सी को वर्ल्ड फाइलोटैक्सी कहेंगे। टैक्सिस, टैक्सिस क्या है? टैक्सिस पी साइलेंट होता है। लीफ इन बड कंडीशन, जब हमारी लैमिना जो लीफ है, लीफ की लैमिना है, लैमिना बड कंडीशन में चेंज हो जाए तो इसको टैक्सिस कहते हैं। बहुत ही छोटे छोटे टर्म है, पूछ देते हैं कभी कभी, एनसीईआरटी में हो सकता है नहीं लिखा हो। तो टैक्सिस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आपकी लीफ बड में चेंज हो जाए देन इट इज कॉल्ड टैक्सिस। फोल्डिंग ऑफ लैमिना इन बड कंडीशन इज कॉल्ड टैक्सिस। टैक्सिस, देखिए टैक्सिस सबसे पहले हम लोगों को फर्न में, बहुत फर्न अगर आपने घर में लिखा, ऑर्नामेंटल प्लांट है फर्न, आपने देखा होगा कि कुछ लीव इसकी बिल्कुल मुड़ जाती हैं, एक दूसरे से मुड़ती 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 चली जाती हैं। सच टाइप ऑफ टैक्सिस इज कॉल्ड सर्सिनेट टैक्सिस। रोल्ड फ्रॉम एपेक्स, एपेक्स से रोल होता है बेस तक, तो सच टाइप ऑफ टैक्सिस इज कॉल्ड सर्सिनेट टैक्सिस, और इसका एग्जाम्पल है फर्न लीव्स। दूसरी तरह की टैक्सिस है प्लिकेट टैक्सिस। प्लिकेट टैक्सिस में क्या होता है? फोल्डेड लेंथ वाइज, पाम, ये जो जापानीज फैन है, ठीक है ना, जापानीज फैन या पाम फैन, इसमें आप देखोगे तो पूरी की पूरी लीफ जो है पूरे लेंथ वाइज बिल्कुल पतली सी यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख गई है। दिस इज कॉल्ड प्लिकेट टैक्सिस और इसका एग्जाम्पल जापानीज फैन है। तीसरे तरह का टैक्सिस है कॉन्डुप्लिकेट टैक्सिस। कॉन्डुप्लिकेट टैक्सिस फोल्डर ओवर मिडरिब, मिडरिब के ओवर फोल्ड कर जाती है। तो जब मिडरिब के ओवर फोल्ड कर जाती है तो ऐसी फोल्डिंग को कॉन्डुप्लिकेट टैक्सिस कहते हैं, और ये आपको बोहेमिया और गोवा में मिलती है। गोवा में मतलब अमरूद में मिलेगी। चौथी तरह की टैक्सिस है क्रम्पल्ड टैक्सिस। क्रम्पल्ड टैक्सिस में इरेगुलर फोल्डिंग होती है, जैसे कि आपको पत्ते गोभी में मिलती है, कैबेज में मिलता है। और भी बहुत सारी टैक्सिस हैं, लेकिन जो टैक्सिस इंपॉर्टेंट थी, जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती थी, उनके एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे दे दिए हैं कि कैबेज में किस तरह की टैक्सिस मिलती है, दैट इज इरेगुलर फोल्डिंग, और क्रम्पल्ड टैक्सिस इसको कहते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द फाइलोटैक्सी एंड टैक्सिस। बहुत ही छोटा वीडियो सेगमेंट था, मुझे लगता है कि आपको आप इंजॉय किए होंगे। थैंक्स फॉर योर पेशेंस, और मेरा रिक्वेस्ट अगेन, शेयर इट टू द नीडफुल एस्पिरेंट्स। जितना हो सके इसको नीडफुल एस्पिरेंट्स को शेयर करिए। इन द लास्ट, धन्यवाद।